गुड इवनिंग बच्चों, आज हम अध्याय 3 शुरू करेंगे। चतुर्भुजों को, जिसका शीर्षक है चतुर्भुजों को समझना। इसमें सबसे पहले बहुभुज किसे कहते हैं? तो बहुभुज किसे कहते हैं? केवल रेखाखंडों से बने सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। तो क्या हुआ, जैसे उदाहरण आ गया आपके पास, त्रिभुज आपका चतुर्भुज हो गया, आपका चार भुजाएं होगी इसकी, फिर आपके पास पंचभुज हो गया, ये पंचभुज हो गया, इसी तरह से आपका षटभुज सप्तभुज ये सारे के आपके बहुभुज हैं। त्रिभुज से स्टार्ट होता है, दो से अधिक भुजाएं जिस त्रिभुज से स्टार्ट होता है, ये बंद वक्र है आपका, ये देखिए यहाँ पे, ये तो आपके क्या है, ये बहुभुज है। अब बहुभुज के विकर्ण क्या हैं? किसी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। ऐसे आपके पास ये हो गया, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, ये आपके पास चतुर्भुज हो गया, इसके सम्मुख शेष ये शेष हो गया, ये शेष हो गया, इसको मिला दिया हमने, ये आपका क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। इसी तरह से आपका ये और ये सम्मुख शेष हो गया, इसको मिला दिया तो ये आपके पास क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया। तो चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं आपके। अब जैसे पंचभुज आपके पास बना दिया मैंने, ये सम्मुख में सामने, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये इसके सम्मुख शेष ये मान लिया मैंने, ये सम्मुख शेष हो गया, ये एक विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया, ये सम्मुख शेष हो गया, इनको मिला दिया, ये विकर्ण हो गया। अब ये और इसको मिला दिया, ये सम्मुख शेष हैं, ये हो गया, और ये क्या कहते हैं आपके पास, ये हो गया, तो ये आपके क्या विकर्ण हो गए। तो पंचभुज में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 विकर्ण हो गए आपके। इसी तरह से आप और आकृतियों के भी क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अब उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? वह बहुभुज जिसमें विकर्ण बहिर्भाग में स्थित नहीं होते हैं, बहिर्भाग में नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो उत्तल बहुभुज क्या हो गया, जो ऊपर वाले मैंने खींचे, इसमें देखिए विकर्ण क्या है, आकृति के अंदर हैं, यहाँ पे विकर्ण क्या है, आकृति के अंदर हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, यहाँ बना लेंगे तो आपका उत्तल बहुभुज हो गया। अब अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? वह बहुभुज जिसमें विकर्ण बहिर्भाग में होते हैं, बहिर्भाग में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज कहते हैं, अवतल बहुभुज कहते हैं। और जैसे ये आकृति आपके पास है, ये भी बहुभुज है, क्योंकि क्या किससे बनी हुई है, ये आपकी रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है, बहुभुज है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो विकर्ण है आपका, ये तो ठीक है, चलो ये अंदर आ गया, लेकिन एक जो इसका विकर्ण है, ये सम्मुख शीर्ष है, इसको मिलाया, ये विकर्ण है, ये आपका क्या आ गया, आकृति से बाहर आ गया, बहिर्भाग में बाहर स्थित है, तो इसलिए ये क्या आपका अवतल बहुभुज है। अब आपके पास सम व विषम बहुभुज किसे कहते हैं? सम बहुभुज की बहुभुज में सभी भुजाएं व
कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, समबहुभुज का आपका, या आपका समबहुभुज। उदाहरण आ जाएगा इसका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वर्ग आ गया। इस तरह से आप और आकृतियाँ सोच सकते हैं। अब आपका विषम बहुभुज, विषम वह बहुभुज जिसमें भुजाएं व कोण अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम बहुभुज कहते हैं, विषम बहुभुज कहते हैं। तो विषम बहुभुज क्या, आपका विषम बहु त्रिभुजों का उदाहरण हो गया इसका, विषम बहु त्रिभुज हो गया, समद्वि बहु त्रिभुज हो गया, समद्वि बहु त्रिभुज हो गया, आयत हो गया आपके पास, ऐसे कोई उदाहरण नहीं सकते। थैंक यू।